बारे में देखिएगा, आप ही बताइएगा। संत मीराबाई, संत मीराबाई की बात करते हैं तो सबसे पहले इनका जन्म याद रखिएगा। इनका जो जन्म है वो हुआ था आपके 1498 ईस्वी के अंदर, कहां पर? तो कुड़की ग्राम। अच्छा, कुड़की ग्राम कहां? तो याद रखिएगा पाली, कुड़की ग्राम पाली। ठीक, पूछा जाए इनके बचपन का नाम क्या है तो याद रखिएगा मीराबाई के बचपन का नाम है पेमल। क्या नाम है? पेमल। इनके पिताजी का नाम क्या है तो याद रखिएगा रतन सिंह राठौड़। इनकी माताजी का नाम क्या है तो माताजी का नाम है वीर कुंवरी या वीर कंवर। संत मीराबाई जो है इनके गुरु का नाम क्या है तो याद रखिएगा संत रविदास, या आप कह सकते हैं संत रविदास, एक ही बात है। ठीक है, संत रविदास या संत रविदास। और इनकी जो छतरी है वो बनी हुई है आपके कहां पर? चित्तौड़गढ़ किले में। कितने खंभों की है? तो वह है चार खंभों की, चार खंभों की छतरी। ठीक, संत जो मीराबाई है इनके पति का नाम क्या है तो याद रखिएगा भोजराज। क्या नाम है? भोजराज। ये किनकी भक्ति किया करती थी तो याद रखिएगा भगवान श्री कृष्ण की, पति के रूप में पूजा करती थी। और इनकी जो भक्ति भाव हुआ करता था वो था माधुर्य भाव। कौन सा भाव था? माधुर्य भाव। ठीक, संत जो मीराबाई है इनकी जो रचना है वो याद रखिएगा पदावली के रूप में। किस रूप में है? पदावली के रूप में। इसीलिए तो संत मीराबाई को कहा जाता है राजस्थान की राधा। इनका उपनाम क्या है तो इन्हें बोला जाता है राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो अभी हमने देखा था कि इन्होंने मेवाड़ का परित्याग के शासक के समय किया था, मेवाड़ का परित्याग तो याद रखिएगा विक्रमादित्य के समय। इसके समय किया था? विक्रमादित्य के समय, क्योंकि जैसे ही इन्होंने मेवाड़ त्याग किया था उसी समय गुजरात के बहादुर शाह का अटैक हुआ था। किसका हुआ था? गुजरात के बहादुर शाह का अटैक हुआ। उस समय मेवाड़ के शासक थे विक्रमादित्य, और आपको पता होगा विक्रमादित्य की मम्मी जिनका नाम है कर्मावती, उनके निर्देशन में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था। ठीक है, एक तो ये भी और एक राजस्थान की क्या बोलते हैं? राधा। एक याद रखिएगा कि संत मीराबाई के निर्देशन में, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, संत मीराबाई के निर्देशन में रचना हुई है किसकी? नरसी जीरो मायरो, नरसी जीरो मायरो। मीराबाई के निर्देशन में रचना हुई है, रचना करने वाले तो रत्ना खाती, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है संत मीराबाई से संबंधित। ठीक है, तो इनका जन्म, इनके बचपन का नाम, इनके पिताजी का नाम, इनकी माता का नाम, इनके गुरु का नाम, इनकी इनके पति का नाम, ये किनकी भक्ति क्या करती थी, इनकी रचना मेवाड़ का जब परित्याग किया, इनका उपनाम क्या है, इनके निर्देशन में किसकी रचना हुई है, ये सारे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दो चार क्वेश्चन और हैं आपके। एक तो है मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो याद रखिएगा मीरा जो महोत्सव है ये मनाया जाता है आपके चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, एक याद रखिएगा मीरा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है तो मेड़ता को, और इनका प्रसिद्ध मंदिर भी यही है मेड़ता नागौर, मेड़ता नागौर। एक कभी आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि संत मीराबाई का संबंध किस वंश से रहा है तो याद रखिएगा इनके जो पिताजी हैं वो रतन सिंह राठौड़ हैं। अच्छा, इनके दादा का भी नाम कभी पूछ लिया आपको संत मीराबाई के तो वो है राव दुदा, राव दुदा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी बात जो बातें हैं ये है आपके संत मीराबाई, संत मीराबाई जिनका जन्म 1498 कुड़की ग्राम पाली। इनका उपनाम याद रखिएगा, इन्हें बोलते हैं राजस्थान की राधा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भक्ति किया करती थी भगवान श्री कृष्ण की। किस भाव में? माधुर्य भाव में। इनके बचपन का नाम क्या था याद रखिएगा? पेमल। इनके पिताजी का नाम है रतन सिंह राठौड़। इनकी माता का नाम है वीर कुंवरी। इनके गुरु का नाम याद रखिएगा संत रविदास या रविदास, जिनकी चार खंभों की छतरी बनी हुई है चित्तौड़ किले में। ठीक है, इनके पति का नाम याद रखिएगा भोजराज। इनकी जो रचना है वो है पदावली। ठीक है, इनके दादा का नाम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पालन पोषण करने वाले यही थे, राव दुदा। मेवाड़ का जब परित्याग किया उस समय यहाँ के शासक कौन थे मेवाड़ के? तो विक्रमादित्य। अच्छा, इनके निर्देशन में किसकी रचना हुई थी? नरसी जीरो मायरो। किसके द्वारा? रत्ना खाती द्वारा। और मीरा महोत्सव चित्तौड़ में, जबकि मीरा नगरी के नाम से जाना जाता है मेड़ता नागौर, और यहीं पर इनकी प्रसिद्ध क्या है? मंदिर। एक बात और याद रखिएगा, संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की जिस मूर्ति की पूजा किया करती थी वो निम्न में से किस पत्थर से बनी हुई थी? तो काले पत्थर से। अच्छा, वर्तमान के अंदर वो मूर्ति कहाँ पर है? तो वर्तमान के अंदर जो वो मूर्ति है वो आपके आमेर के अंदर एक मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर, जिसका निर्माण कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। ये जो कनकावती है ये मिर्जा राजा मान सिंह की पत्नी है। ठीक है, उसमें है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि संत मीराबाई ने अंतिम समय कहाँ गुजारा था? तो कहते हैं कि गुजरात में एक स्थान है डकोर, वहां पर एक मंदिर है रणछोड़ जी का,
उसी मंदिर के अंदर मूर्ति थी और उसी मूर्ति में समाहित हो गई थी कौन? संत मीरा। और कहते हैं कि संत मीरा बाई का एक पल्लू जो बाहर गया था आज भी उस मूर्ति के बाहर दिखाई देता है। तो इनका अंतिम समय डकोर गुजरात के अंदर रणछोड़दास जी का जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उसमें समाहित हो गई थी कौन? संत मीरा बाई। तो ये पूरी कहानी है संत मीरा बाई की। क्लियर है? चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो संत मीरा बाई से संबंधित